नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं अभी फ़िलहाल, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बेनिफिशियल भी आपके लिए ये वीडियो आज रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है बीएड फर्स्ट ईयर का। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्या कितने उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने उसमें वेरी शॉर्ट आते हैं। ये पैटर्न आपको समझना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स अगर लाएंगे तो वो आपके काम करेंगे सुपर टैट में, है ना, वो आपको मदद करेंगे आपके सुपर टैट को लेकर। और अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अच्छे मार्क्स लाते हैं तो ऑब्वियसली आपके सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स बनेंगे और एग्रीगेट भी आपके अच्छे परसेंटाइल बनेगी। तो अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रतीक और मैं अभी बीएड सेकंड ईयर में हूँ और CCS यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ और मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है और यूपी टैट भी मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ना। और सीटेट के दोनों पेपर यानी कि प्राइमरी वाला भी और जूनियर वाला भी मैंने दोनों क्लियर करे हैं और यूपी टेट में भी मैंने प्राइमरी वाला और जूनियर वाला दोनों पेपर क्लियर करे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी इस चैनल पर, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होगी। उन क्वेश्चन को आपको याद करना है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, वो आपको लर्न करने हैं, 100% वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, वो आपकी मिस हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, बिल्कुल विश्वास करिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो 100% आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको देखने को, और आप उनको अच्छे से लिख सकते हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट जो सीरीज़ में चलाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में चलाने वाला हूं इस वीडियो के बाद। लेकिन आज मैं बात करूंगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मेरिट अच्छी बनानी है तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात। आप देख सकते हैं ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर और ये एनुअल एग्जामिनेशन है आपका और ये 2019 का आपका एग्ज़ाम है का पेपर है ना, 2019 मतलब ईयर का आपका ये पेपर है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का। अब सबसे पहला डाउट जो आपके दिमाग में बनेगा कि सर आप 2019 का पेपर लाए हैं, आप 2020 का पेपर क्यों नहीं लाए, आपने हमें 2020 का पेपर क्यों नहीं दिखाया, क्या पता कुछ चेंज हुआ हो। तो मैं बता देता हूँ कि 2020 में जो पेपर हुए ही नहीं थे, 2020 में बच्चे प्रमोट हुए थे, ठीक है ना। 2020 में आपके फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे, 2020 में बच्चे प्रमोट हुए थे, ठीक है ना। तो इसलिए 2020 का पेपर नहीं है, लेटेस्ट जो पेपर है आपका 2019 का ही अभी तक है। तो आपको 2019 के पेपर देखने हैं, लास्ट ईयर के आपको पेपर देखते हुए चलने हैं। कोड की बात की जाए तो आपका कोड है E102 आपका ये कोड है, और इसका सब्जेक्ट नेम की बात करूँ मैं तो फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ये आपका पेपर है। आइए एग्ज़ाम पैटर्न की पूरे बात करते हैं। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न में आपका एग्ज़ाम जो कितने मार्क्स का रहेगा, आपका 80 मार्क्स का आपका ये आपका पेपर रहेगा। एक कोई भी सब्जेक्ट का एक पेपर आपका एवरी मतलब ईच पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। और टाइम ड्यूरेशन जो आपको इसमें मिलेगी वो आपको मिलेगी 3 घंटे, 3 घंटे आपको मिलेंगे और 80 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं सेक्शन की। देखिए, सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन ए यहाँ पर लिखा है तो सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी कि 3 सेक्शन आपके पेपर में आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे यानी कि विस्तृत प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन सी में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, टोटल आपका 80 नंबर का होगा और 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए की बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, दिस सेक्शन कंटेंस 3 क्वेश्चंस, मतलब ये जो सेक्शन है ए, ये 3 क्वेश्चन अपने पास रखता है। ईच क्वेश्चंस हैज़ 1 इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस की हम बात करेंगे इसमें, इंटरनल चॉइस रखता है हर एक सेक्शन, ठीक है ना। आंसर ऑल क्वेश्चंस, मतलब आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन की हम बात करते हैं और तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।
तो तीन क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और तीनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन उसमें क्या होगी, इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस को हम समझते हैं, इंटरनल चॉइस को देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर ए और बी ऐसे मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में भी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, सी एंड डी, और क्वेश्चन नंबर तीन में भी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल चॉइस की, यानी कि अब तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर वन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर टू में से एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है, और क्वेश्चन नंबर थ्री में से एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन में से ए और बी में से आपको कोई एक जरूर करना है, ठीक है ना, या तो आप ए करिए या फिर आपको बी करिए, कोई सा भी अगर आपको आता है। क्वेश्चन नंबर टू में से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से या आप सी करिए या डी करिए, कोई भी एक क्वेश्चन आप करिए। क्वेश्चन नंबर तीन में से फिर से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई भी एक आपको जरूर जरूर करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, मान लीजिए इंटरनल चॉइस में, इंटरनल चॉइस का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन नंबर एक में से एक क्वेश्चन जरूर करना है, दो में से एक क्वेश्चन जरूर करना है, तीन में से एक क्वेश्चन जरूर करना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए हमको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन के हमें दोनों क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नंबर टू के हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिखने का मन करता है और यहाँ से एक क्वेश्चन लिखने का मन करता है। तो इंटरनल चॉइस में ऐसे नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन एक सेक्शन में से आपको जरूर करना पड़ेगा, है ना। इंटरनल चॉइस बेकार होती है, वरना एक चॉइस ऐसे होते हैं कि एक लगातार सिक्स क्वेश्चन आ जाए, कोई भी तीन क्वेश्चन आप कर लो, वो ज़्यादा चॉइस ज़्यादा अच्छी होती है, इंटरनल में थोड़ा बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी तैयारी करनी है ताकि इंटरनल चॉइस में आप ना फंसें और काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर लें तीनों के तीनों। हिंदी में बात करते हैं इसकी, इस खंड में तीन प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प दिया गया है, यानी कि इंटरनल चॉइस आपका दी गई है। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, तीन क्वेश्चन आपको लिखने हैं, यानी कि 16 या 48, यानी कि 48 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है, एक क्वेश्चन ये है शिक्षा क्या है, और ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस करके और या अथवा, है ना। तो या तो आप ये लिखेंगे या फिर आप ये नीचे वाला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन में, ठीक है ना, या तो आप ये लिखेंगे या फिर आप ये वाला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर टू इसकी बात करते हैं लॉन्ग की, क्वेश्चन नंबर टू में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में फिर से आपके दो क्वेश्चन हैं, या तो आप ये वाला लिखिए या फिर आप ये वाला लिखें नीचे वाला, ठीक है ना, कोई भी दो में से एक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में फिर से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, विद्यालय में मूल्य शिक्षा किस रूप में देनी चाहिए, या तो ये लिखेंगे या फिर आप कोई सा एक इनमें से, या फिर आप ये वाला लिखेंगे, कोई भी एक, यानी कि हर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर जरूर लिखना है। आगे बात करते हैं आपके सेक्शन बी की, सेक्शन बी की देखिए बात करते हैं, सेक्शन बी है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं ये कितने आते हैं और कितने नंबर के आपके आते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स अ एट पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, यानी कि आठ क्वेश्चन इसमें आपके शॉर्ट में पूछे जाएंगे, आंसर एनी फोर पार्ट्स, यानी कि चार क्वेश्चन आपको, कोई भी चार क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ईच पार्ट्स का इज फोर नंबर, है ना। तो चार क्वेश्चन आपको करने हैं, चार नंबर का ये होगा, जो चार चौक 16, यानी कि 16 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ये देख सकते हैं। इस खंड में एक प्रश्न में आठ भाग दिए गए हैं, किन्हीं चार भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग चार अंकों का है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, फोर हैं टोटल आपके, एट आएंगे, कोई भी आप फोर लिख सकते हैं इसमें, वन टू थ्री, ये आप देख सकते हैं, फोर फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन और एट, कोई भी आठ आएंगे आपके टोटल, कोई भी चार आप करिए, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसको आप लिख दीजिएगा, और ओनली आपको चार करने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस आपको शॉर्ट में मिल जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, यानी कि जो कि लास्ट सेक्शन है, जो कि आपका वेरी शॉर्ट का सेक्शन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए बात करते हैं, देखते हैं कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स अ क्वेश्चंस ऑफ 10 पार्ट, यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एनी आंसर एनी 8 पार्ट्स, यानी कि 10 आपके आते हैं और 8 क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें से करने हैं, कोई भी 8 करने हैं, और दो नंबर का आपका होता है, तो 8 × 2 = 16 नंबर के आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं। आइए देखते हैं, इस खंड में एक प्रश्न के 10 भाग दिए गए हैं, किन्हीं 8 भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग दो अंकों का रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6 और 7, ये आपका 7 हो गया, और ये 8, 9 और ये 10, तो 10 क्वेश्चन आपको इसमें से मिले, किसमें से, वेरी शॉर्ट में से, ठीक है ना। अब आप समझ गए हैं, फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। लॉन्ग जो आपको मिलेंगे, आपको तीन लॉन्ग करने हैं ना, तीन लॉन्ग करने हैं, इंटरनल चॉइस के साथ मिलेंगे, है ना, तो आपको कोई भी एक एक करके आपको एक एक लॉन्ग करना है। अब शॉर्ट में आपको क्या करना है, शॉर्ट आपके मिलेंगे, आपके 8 शॉर्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 4 शॉर्ट करने हैं कोई भी, और वेरी शॉर्ट में
आपके 10 मिलेंगे और आपको 8 वेरी शॉर्ट करने हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था बीएड फर्स्ट ईयर का सीसीएस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न था। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताऊँगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो जो नेक्स्ट वीडियो हो आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास जैसे मैं वीडियो डालूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वो आपके पास आ जाए बड़े ईजिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिस और आप जो भी मैं बताऊँगा आपको उनको फटाफट से लर्न कर लेना है किसी भी तरीके से। मैं ये पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ओनली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये नहीं कि मैं आपको उनके आंसर भी बताऊँ, सिर्फ क्वेश्चन मैं बताऊँगा, और आपको वो लर्न कहाँ से करने हैं मैं फिर से बताऊंगा एक बार फिर। लर्न जो आपको करने हैं वो आपको आपका विद्या का मॉडल आता है, ठीक है, विद्या का मॉडल एक आपको मार्केट में आता है, और सूर्य का मॉडल, और सूर्य का मॉडल आपका एक मार्केट में आता है, दोनों ले लीजिएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको इन दोनों मॉडल में से जो भी आपको इजी वे में लगे, जिसकी भी लैंग्वेज इजी लगे, वहाँ से आपको लर्न कर लेना है इन दोनों मॉडल में से किसी में से भी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी नेक्स्ट आने वाली है पूरी, उस तो उसको मिस मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात, हाँ, एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इतने ज़्यादा परेशान हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखिए अभी भी आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी भी बीएड फर्स्ट ईयर के फिर से यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं, रीओपन किए हैं, लास्ट चांस दिया है, तो अभी आपका एग्ज़ाम डेट, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मई के लास्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ मई लास्ट में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जून लास्ट में आपके एग्ज़ाम 100% होंगे, ठीक है, जून लास्ट में आपके एग्ज़ाम 100% होंगे शुरू, अभी मई लास्ट में नहीं होंगे। और मेरी तरह आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर जैसे ही आप बीएड फर्स्ट ईयर कर लेंगे, तो मेरी ही तरह आपको जैसे आप बीएड सेकंड ईयर में एंट्री करेंगे आपको सीटेट आपका आ जाएगा, सीटेट आपको देना है यहीं पर अपियरिंग में ही देना है, और अपियरिंग में मेरी तरह आप क्वालिफाई कर लेंगे, है ना, काफ़ी अच्छी मेहनत करिएगा फिर बाद में, और सीटेट अपियरिंग में मेरी तरह आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा और वहाँ पढ़ते रहिएगा।